हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं वर्शिपर्स लीग और आज की वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि अभी मैं अपने घर के गैराज में हूँ और अभी हम जा रहे हैं बाहर एक चीज़ लेने के लिए जिसका मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। बाय। सच में जा रहा है मेरा रेस्टोरेंट। चलो काशी भी चले। हमारे कैमरामैन काशी भाई ऐसे सीधा बोल रहे थे। हो गई आपके सीधे मुझे खाए। आप ये मत करें। हमारी सोसाइटी में लेकिन ऐसा नहीं। अब हम घर पहुंच चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपना कैनवस बोर्ड लेके घर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी छोटी सी क्यूटी सी पपी। इसका नाम है सिटू। सिटू उधर देखो, सिडनी नाम है इसका। और ये हमारे छोटी सी बेबी है। जब ये आई थी तो ये 20 दिन की थी और अभी ये 4 मंथ्स की हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे साथ है मेरा छोटा भाई नेमिया और कैमरा पे हमारे साथ है इस्तिसा। इस वक्त सिडनी, व्हाट आर यू डूइंग? अभी वो खेल रही है। ये पेंटिंग जो है ये मैं बना अपने सर के लिए रही हूँ, अपने टीचर के लिए, सर शहबाज के लिए। ये उनके लिए सरप्राइज है इसका, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने उनसे काफ़ी देर पहले वादा किया था कि मैं उनके लिए पेंटिंग बनाऊंगी और मैंने अपने म्यूजिक टीचर के लिए, सर कृतन के लिए भी पेंटिंग बनाई थी और उन्हें भी बहुत पसंद आई थी। और इस दफ़ा मैं अपने जो है स्कूल टीचर के लिए, अब तो खैर मैं स्कूल से काफ़ी देर होगी मुझे ग्रेजुएट किए, लेकिन अब मैं अपने टीचर के लिए बनाने लगी हूँ, सर शहबाज के लिए, जो कि मुझे बचपन से पढ़ाते आए हैं। और अब मैं उनके लिए पेंटिंग बनाऊंगी और होपफुली उन्हें पसंद आएगी। ऑल राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दी है और जो पेंटिंग है वो बहुत ही आसान दिखने में लग रही है लेकिन इतनी आसान नहीं है। और इसके अंदर 3 शेड्स यूज़ हुए हैं, जो कि एक ऑरेंज शेड है और क्रीम कलर की इसकी बेस है और ब्राउन कलर के इसके अंदर प्लांट्स ड्रॉ किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि बीच में मेरे छोटे भाई जो हैं मुझे आके तंग कर रहे हैं। आगे भी आप देखेंगे कि वो कैसे बीच बीच में तंग करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम यूज्ड टू इट, तो इट्स फाइन। हमने बहुत मज़ा किया सिडनी के साथ, वो लोग खेलते रहे और बहुत शोर मचाया, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। और आप देख सकते हैं कि मैंने अब पेंटिंग करना स्टार्ट किया है और मैंने येलो और वाइट को मिक्स करके उसकी बेस के लिए शेड बनाया है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए आफ्टर अ लॉन्ग डे। लेकिन ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है और आपको बीच बीच में आप फेस करेंगे कि बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन इन आर्ट नथिंग इज़ एवर रॉन्ग। तो जैसे जैसे आप पेंटिंग बनाते हैं उस पेंटिंग की शक्ल खुद ब खुद अच्छी निकलना शुरू हो जाती है। मैंने पेंटिंग बनाना किसी से सीखी नहीं है, ये मैं बस अपने शौक की वजह से करती हूँ और ज़्यादातर मैं यूट्यूब से वीडियोस देखकर सीखती हूँ और या फिर मैं पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेकर बनाती हूँ। और ये वाली पिक्चर भी मैंने पिंटरेस्ट से देख के ही बनाई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं उसे इवेंचुअली ठीक कर लूँगी, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने प्लांट्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं और भी, और क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है मेरे भाइयों ने बहुत मदद की मेरी टू नॉट मेक इट एनी मोर बोरिंग। उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक किया और वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हम हंसते खेलते रहे और सिडनी के साथ खेला। सिडनी जो थी उस वक्त हमारे साथ कमरे में ही थी, वैसे तो वो यूजली नीचे रहती है लेकिन हम उसे ऊपर ले आए थे, उसके साथ खेल रहे थे और बहुत मज़ा आया। खराब हो चुका था लेकिन मैंने यहाँ पे फिर वो सन की शेडो बना दी ताकि ऐसे लगे जैसे ये सन जो है वो डूब रहा है और ऐसे ही अभी तक ये बनी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे देखते हैं। होप ऑल राइट गाइस, तो
मैं अब आपको अपनी पुरानी पेंटिंग्स कुछ दिखाऊंगी। ये एक पेंटिंग है जो डे टाइम शो करती है और ये काफ़ी देर पहले लॉकडाउन में मैंने बनाना शुरू की थी और ये मेरी पहली पेंटिंग थी। और आप देख सकते हैं ये वैसे तो बादल हैं लेकिन बादल के बजाय ये पहाड़ लगते हैं। और ना ही मैंने पेंटिंग बनाना सीखी है, मैं आपको पहले बता दूं, ये बस मैं अपने शौक़ की वजह से करती हूँ। ये एक बाइबल वर्स है जो मैंने लिखी थी, उसके बाद एक और बाइबल वर्स ये है, योर वर्ड्स आर स्वीटर देन हनी, ये मेरी फेवरेट बाइबल वर्सेज हैं। और ये वाला है, ये माउंट फूजी बनाना चाहा था मैंने लेकिन बना कुछ और ही है, बट जो भी है आई लाइक इट। और मेरी फेवरेट वाली ये वाली है, ये वाली ये मैंने ये भी लॉकडाउन में ही बनाई थी। और ये वाली इन सबसे मुझे ज़्यादा इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि पेंटिंग्स बनाना शुरू की और जब मैं फ्लो में आ गई, जब मुझे पता चल गया कि पेंटिंग कैसे करते हैं, तो फिर मैंने ये पेंटिंग जब बनाई तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बनाने में भी बहुत मज़ा आया। और ये मैंने आई रिमेम्बर ये वाली जो है, ये वाली पेंटिंग जो है मैंने अपने ओ लेवल के एग्ज़ाम्स ख़त्म करने के बाद बनाए थे। जब मैं फारिग हो गई थी, अपने पेपर्स देखे, तो मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। और पेंटिंग जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुदा की खूबसूरती के बारे में और बताता है। यू गेट टू नो हाउ ब्यूटिफुल गॉड्स क्रिएशंस आर और कैसा बड़ा खुदावंद आर्टिस्ट है, क्योंकि खुदावंद से बढ़कर तो कोई आर्टिस्ट है ही नहीं। तो ये कुछ मेरी पेंटिंग। ऑलराइट गाइस, तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये जो है ये पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुकी हुई है और यहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी उसको मैंने करेक्ट कर लिया है और ये पौधे भी कंप्लीट कर लिए हैं और राइटिंग भी कर ली है, सारी वर्स भी लिख ली है। और मैंने वर्स का रेफरेंस नहीं लिखा क्योंकि जगह थोड़ी पड़ गई थी और वैसे भी बहुत क्राउडेड लगने लगा था, तो राइटिंग, क्योंकि ओरिजिनली जो पेंटिंग थी उसमें राइटिंग नहीं थी, मैंने खुद ये डिसाइड किया था कि मैं इसमें वर्ड्स लिखूंगी, तो ये मैं अब अपने टीचर को दूंगी और आई होप कि उन्हें पसंद आए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।